हाँ तो देखिए, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो अभी मैंने डिफिनेशन भी आपको बताया कि रेशनल नंबर क्या होता है। ए रेशनल नंबर इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये रेशनल नंबर का डिफिनेशन था। और मैंने उसमें चार्ट में आपको ऑलरेडी दिखाया है कि जितने होल नंबर होते हैं वो सभी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो जीरो क्या है, होल नंबर है। तो यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। चार्ट से आप देख सकते हैं, यस। तो आगे लिख सकते हैं कि वी कैन राइट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म पी बाई क्यू इन द फॉर्म पी बाई क्यू दैट इज, जो कि इस तरह से लिख सकते हैं, जीरो बाई वन, जीरो बाई टू, आर आर, जीरो बाई थ्री, ई टी सी। तो इसका आंसर समझ में आ गया। जीरो क्या है, होल नंबर है। तो जितने होल नंबर होते हैं सभी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए जीरो नहीं होना चाहिए, तो वन टू थ्री हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग क्लास एट्थ में पढ़ चुके होंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। तो किसी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर वन, जैसे नंबर लाइन है, तो इस यहाँ वन है, यहाँ टू है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1.1 हो जाएगा, फिर 1.2, 1.3, फिर इसके बीच में भी नंबर होगा, इस तरह से इसके बीच में भी नंबर होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो किसी एक रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, तो ए प्लस बी बाई टू। तो एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, और दोनों नंबर को ऐड करिए, टू से डिवाइड कर दीजिए, आपका रेशनल नंबर निकल जाता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा फाइंड करने हैं तब आपके लिए दिक्कत होती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूं, आपको उसी ट्रिक से करना होगा और ज्यादा आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक से आपको मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, यहां हम ये लिखेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ना, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। थ्री और फोर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। तो अब देखिए, यहां तक इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, हमें फाइंड कितना करना है, सिक्स। तो बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। अब देखिए, यह क्या है, इसमें फ्रैक्शन नहीं दिया है, डिनोमिनेटर नहीं दिया है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, वन होगा। तो जितना नंबर फाइंड करना है उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां लिख देंगे कि मल्टीप्लाई बाय सिक्स प्लस वन इन बोथ नंबर, दोनों नंबर में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सेवन। सिक्स प्लस वन यानी सेवन, तो थ्री अपॉन वन, इसमें सेवन से यहां पे भी सेवन, तो ये हो गया सेवन थ्री या 21/7। अगला नंबर क्या है, फोर है, तो फोर अपॉन वन है, तो इसमें भी सेवन, सेवन से इस तरह मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह हो गया 28/7। मैं कह रहा हूं कि सिक्स फाइंड करना है तो उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप एक ज्यादा से कर सकते हैं, दो ज्यादा से कर सकते हैं, यानी सेवन से कर सकते हैं, एट से भी कर सकते हैं, नाइन से, टेन से, हंड्रेड से, किसी भी से कर सकते हैं इसके बीच में, क्योंकि मैंने कहा कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, इसलिए आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, इस जितना फाइंड करना है उससे कम से नहीं करना है, हमेशा उससे ज्यादा से करना है। तो चाहे जितने से कर देंगे,
आपका सही रहेगा, कोई गलती नहीं होगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट उतना ही फाइंड करना है तो बस एक ज्यादा से करेंगे तो एग्जैक्ट उतना ही आएगा, अगर दो ज्यादा से करेंगे या तीन ज्यादा से करेंगे तब ज्यादा आएगा। तो हमें एग्जैक्ट अगर फाइंड करना है तो यहां आप लिख देंगे कि देयर फोर सिक्स रेशनल नंबर, सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर आर क्या हो जाएगा, 21 है तो 21 के बाद कितना आता है 22/7, फिर 23/7 ऐसे बढ़ाते चले जाइए 28 से पहले तक, 24/7, 25/7, 26/7, देखिए तो 27/7, तो ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो एकदम एग्जैक्ट 6 आ गया, 28 और 27 वन छोड़ के एग्जैक्ट 6 नंबर आपको मिल गया। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन करना है। हाँ, अगर डिनोमिनेटर सेम है तब देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 1 सेम है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सबसे पहले उसको डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, इसके बाद फिर जितना फाइंड करना होगा उससे एक ज्यादा से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से आप करते चले जाएंगे। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 4/5 देख लीजिए, यहां पे भी डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है तो करना क्या है, इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए इसमें करेंगे क्या, जैसे उसमें किए थे सेम वही प्रोसेस, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 अपॉन 4/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5, तो हम क्या करेंगे, हमें कितना फाइंड करना है 5, तो 5+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 5+1 इन बोथ नंबर्स, दोनों नंबर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3/5 इंटू 6/6 इज इक्वल टू 18/30, दूसरा क्या है 4/5, इसमें भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे यहाँ पे, तो इस तरह से 24/30 मिल गया। अब बस लिख देना है कि देयर फोर कितने रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5।